अफ्रीकी देशों में पाया जाता है, वहाँ पर मिलता है कि
बात करते हैं विटामिन्स की और खनिज लवण की, तो हम जो भोजन लेते हैं कार्बोहाइड्रेट या जल की कमी नहीं होती है, तो प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन चौदह में लोगों को दे। फिर आता है खनिज लवण, तो खनिज लवण कम होते हैं, तो खनिज लवण की कमी से भी हमें कई लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी इसमें रक्ताल होता, जैसे आयरन की कमी से हो रहा है, गलगन रोग आयोडीन की कमी से हो रहा है, इसी तरह कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि कैल्शियम जो है हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी से हड्डियाँ कमजोर पड़ जाती है, हो जाती है अपने पास पास आ जाती है पैरों की हड्डियाँ खोलने से, तो ये क्रिकेट रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह इसी प्रकार सोडियम है, पोटेशियम है, इनकी कमी होती है, तो शरीर में जो विद्युत आवेग का संचरण है या जो विद्युत अपघटन का संतुलन है उसमें कमी आ जाती है। तो ये थे खनिज लवणों संबंधी रोग। अब बात आती है विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से रोग और क्या क्या कारण हो सकते हैं। विटामिन प्रपोर्शन की बात करते हैं, विटामिन कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो विटामिन सी जो है दो भागों में बांटे गए, वसा में मिले और जल में मिले। तो पहले हम देखते हैं वसा में मिले विटामिन, तो उसमें आता है विटामिन ए डी ई और के। विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल, विटामिन डी को कहा जाता है कैल्शियम, विटामिन ई को कहा जाता है लिकोफेरॉल और विटामिन के को कहा जाता है नेस्टोफेरॉल। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग और विटामिन ई की कमी से आ जाता है बांझपन, और इसको एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं क्योंकि असंतुलित वसा में ऑक्सीकरण को एक रोग होता है, इसलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। और विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया जो है उसको रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया में सहायक होता है, तो उसकी कमी हो जाती है रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। अब ये जो विटामिन है उनके हम अगर स्रोत की बात करें इनके से प्राप्त होते हैं, तो अधिकांश जो हरी सब्जियाँ हैं उनमें विटामिन पाए जाते हैं, दूध है यकृत है उनमें विटामिन पाए जाते हैं। अब इनमें से जो विटामिन के है, ये विटामिन के शरीर के अंदर आदि की कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित किया जाता है, इसी तरह शरीर के अंदर संश्लेषित होने वाला विटामिन B12 है और त्वचा द्वारा होने वाला विटामिन है डी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से विटामिन शरीर द्वारा शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, बाकी अगर विटामिन बाहर से प्राप्त होते हैं उनसे बनाए नहीं जाते शरीर में। तो उनमें से एक होता विटामिन के, B12 और एक डी, ये जो स्किन द्वारा बनाए जाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। अभी बात करते हैं जल में, जल में मिले विटामिन की बात करते हैं, उसमें आता है B1, उसको थायमिन कहते हैं, यदि डेली रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन B2 जिसको कहते हैं राइबोफ्लेविन, और इससे मुख्य क्रिया की त्वचा बढ़ जाती है इसमें। अगला होगा विटामिन बी जिसको निकोटिन की कमी कहते हैं, उससे पहले का रोग होता है। नेक्स्ट विटामिन B3 जिसको पेंटोथेनिकम भी कहते हैं, बर्निंग फिट सिंड्रोम होता है। बर्निंग फिट मतलब पैरों में बहुत ही जलन जो सूजन आ जाती है और बहुत ही जलन जैसा फील होता है, इसलिए इसको बर्निंग फिट सिंड्रोम कहते हैं। और B6 जिसको पाइरिडॉक्सिन कहते हैं, और इससे चर्म रोग होता है और इसके लिए भी जरूरत होती है। नेक्स्ट B12 राइबोफ्लेविन कहते हैं, और इससे पनीर से सहनी हो जाता है, पनीर से सहनी या कम हो गया तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाता, ठीक तरह से उसमें कमी आ जाती है एब्जॉर्प्शन में से। और अगला H बायोटिन जिसमें बालों में झड़ना के लक्षण प्रकट हुए, बाल झड़ने लग जाते हैं इसकी कमी से। नेक्स्ट विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल से इसका जो होता है दांतों में